हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाली जैतारण नशे के सौदागरों के विरुद्ध पुलिस थाना जैतारण की बड़ी कार्यवाही। अवैध अफीम के कुल 2783 पौधे हुए बरामद। जैतारण रामपुरा गांव में हुई कार्यवाही। जिला पुलिस अधीक्षक पाली श्री राजन दुष्यंत IPS ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्री प्रकाश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थाना जैतारण के जरिए दूरभाष सूचना मिली कि सरहद रामपुरा कॉलो के बेरा सदुबा पर आए चिमन सिंह पुत्र मोहन सिंह राजपुरोहित निवासी रामपुरा कॉलो के कब्जा शुदा तारबंदी युक्त खेत में बोई जीरे की फसल के बीच अवैध अफीम के पौधे उगा रखे हैं, जिन पौधों पर सफेद गुलाबी फूल व हरे तोड़े लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त चिमन सिंह राजपुरोहित के खेत की अविलंब तलाशी ली जावे तो भारी मात्रा में अवैध अफीम के डोड़ा युक्त पौधे बरामद हो सकते हैं। उक्त इर्तला पर श्री प्रकाश कुमार उप निरीक्षक पुलिस थाना जैतारण मय पुलिस बल सरहद रामपुरा कॉलो बेरा सदुबा चिमन सिंह राजपुरोहित के खेत पर पहुँच तलाशी ली गई तो चिमन सिंह राजपुरोहित के खेत में बोई जीरे की फसल के बीच अवैध अफीम के कुल 2783 पौधे उगा रखे थे, जिस पर उक्त अवैध अफीम के कुल 2783 पौधों को नियम अनुसार जब्त कर खेत मालिक चिमन सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह राजपुरोहित निवासी बेरा सदुबा रामपुरा कलो पुलिस थाना जैतारण जिला पाली के विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत पुलिस थाना जैतारण में मामला दर्ज किया गया। जागरूक टीवी के पाली से दिनेश चौहान की रिपोर्ट।